मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लॉकडाउन होने की वजह से गरीबों के सामने राशन को लेकर काफ़ी परेशानी होने लगी और लोग दाने दाने को मोहताज होने लगे। जो बेहद गरीब है उनके सामने तो समस्या थी ही, मगर जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उनके घरों में भी क्या है क्या नहीं है वो किसी से कह नहीं पा रहे हैं। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। घरों के अंदर भूख मार रही है और घर के बाहर कोरोना वायरस। ऐसे में सरकार के तरफ से लोगों को 3 महीने का राशन मिलने की बात सामने आई थी, मगर वो भी जब मिलना शुरू हुआ तो सिर्फ 1 ही महीने का राशन मिला। सरकारी मदद जिस तरह से मिलना चाहिए लोगों को, कहीं ना कहीं वो मदद नहीं मिली और लोग सरकारी मदद से वंचित रह गए। मगर वहीं शहर में कुछ ऐसे तंजीमें हैं जो बेहद ही लोगों के लिए मददगार साबित हुई हैं इस दुख की घड़ी में। अंजुमन दर्दे मंदाने हो या फिर जमात इस्लामी या फिर जमीयत उलमा हिंद, और इसी तरह से एनसीपी पार्टी के तरफ से भी लोगों की मदद की जा रही है। एनसीपी के कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान ने बताया है कि मुबारक हॉल, खतीजा हॉल, दरगाह रोड, डायमंड हॉल, लाल किला, मुरेश्वर किने के ऑफिस के पास, अलीशान थिएटर, दिल्ली दरबार होटल, बॉम्बे कॉलोनी, आजमी हॉल और ऐसे 2 अन्य जगहों पर खाना बनाने के लिए सेंटर खोले गए, जहां से लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। यानी कि टोटल 13 सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा शमीम खान का कहना है कि अगर किसी इलाके में लोगों तक खाना नहीं पहुंच रहा है तो वो शमीम खान से संपर्क करें। और शमीम खान ने क्या कुछ कहा है सुनिए। तो कहाँ कहाँ इलाकों में, कौन कौन से इलाकों में पहुँचाया जा रहा है? देखिए, ये जो कम्युनिटी सेंटर चालू किया है हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने, ये कम्युनिटी सेंटर टोटल इस शहर में 13 बनाए गए हैं। हमारे मंत्री महोदय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का ऐसा एक खुला ऐलान रहा है और उनकी एक सोच रही है, अल्लाह ताला उनकी सोच में जजाय खैर अदा करे, उनकी सोच को हम सलाम करते हैं। उन्होंने एक जुमला मुझे कहा एक दिन कि शमीम भाई, मुमरा कलवा में कोई भूखा नहीं सोएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी हम लोगों की सबकी, लेकिन शमीम भाई कुछ आप लोग 30,000 लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ इलाके हैं जहाँ से फ़ोन आ रहे हैं बराबर कि भाई यहाँ पर कुछ भी मदद नहीं पहुंच रही है। इस्लामुद्दीन साहब, तो इसके लिए आपसे ये ऐलान करना चाह रहा था, हारून भाई वाला समाचार से खड़े हुए हैं आपके माध्यम से, कि अगर कहीं पर भी जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है कलवा मुमरा के अंदर, अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि कम्युनिटी सेंटर पर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे इन्फॉर्म करें, शानू पठान साहब को इन्फॉर्म करें, हमारे मंत्री जी को इन्फॉर्म करें, शेरली अशरफ भाई साहब को इन्फॉर्म करें, हमारी भाभी रोता अवार्ड साहब डेली हमारे हर सेंटर पे चक्कर मारती हैं उनको इन्फॉर्म करें, भाई साहब को इन्फॉर्म करें। और अगर आपको लगता है कहीं पे कोई आपको दिक्कत है तो आप डायरेक्ट भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे मिनिस्टर साहब से। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये जो हमारा परिवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का है, इसमें तमाम NGOs के लोग भी हैं, तमाम हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह से जमीयतुल उलमा हिंद के तरफ से भी लोगों को राशन पहुँचाया जा रहा है। 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, तेल, दाल, शक्कर की एक किट बनाकर लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। जमीयतुल उलमा हिंद के मुमरा के सदर मौलाना वहाब कासमी ने क्या जानकारी दी है। मौलाना साहब, जमीयतुल उलमा हिंद के तरफ से जो है जो राशन पहुँचाया जाए, पर डे कितने लोगों तक ये पहुँचाया जा रहा है? पर डे तो ऐसा कुछ हिसाब नहीं है, जैसे जैसा मौका मिलता है, कि लॉकडाउन चल रहा है हम लोग भी नहीं जा सकते हैं और लोग भी नहीं आ सकते हैं, बहरहाल मौका जैसे जैसे मिलता है उसी हिसाब से हम लोग रोज़ाना 50-40 ऐसा बांट देते हैं। जो किट दे रहे हैं आप, किट में क्या क्या है? हमारी किट में अल्हम्दुलिल्लाह 5 किलो चावल है, 5 किलो आटा है, 2 किलो दाल है, 1 किलो तेल है और 2 किलो शक्कर थी, लेकिन अभी तो हम लोग 1 किलो कर दिए हैं शक्कर। पहली वाली किट में 2-2 किलो सब था, अभी थोड़ा सा कम करके हम लोगों ने शक्कर और दाल को कम कर दिया है, ताकि थोड़ा ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा कर लें। और ये ऐसा वक्त है कि इसमें हर एतबार से हर एक के लिए आदमी सोचता है, इसलिए जमीयतुल उलमा ने सोचा। और माशाल्लाह जमीयतुल उलमा की तरफ से हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब मौलाना हलीमुल्लाह साहब ने चावल भिजवाया और दाल भिजवाया। हम लोग फिर यहाँ से जो है हमारे मुखलिसीन हैं, हसन भाई वगैरह हैं, अनिस भाई वगैरह हैं, इन लोगों ने मिल करके और हम लोगों ने मिल करके चावल, तेल, शक्कर और आटा वगैरह सब मंगा लिया। एक हिसाब से एक अच्छी खासी 15-16 किलो की एक किट बन जाती है,
कि लोग 10-5 दिन खा लें और उनके घर में गुजर बसर हो जाए। वही जमात इस्लामी हिंद मुमरा की तरफ से गरीब लोगों तक राशन तो पहुंचाया ही जा रहा है, वहीं साथ में करीब 2 से 2500 लोगों तक खाना भी पहुंचाने का काम जमात इस्लामी और SIO कर रही है। जमात इस्लामी के अध्यक्ष प्रोफेसर जावेद शेख ने क्या जानकारी दी है। अस्सलाम वालेकुम। लॉकडाउन के इन हालात में आप सब जानते हैं कि लोग जिस तरह से खाने के लिए और बेसिक नीड के लिए परेशान हैं, वहीं पर जमात इस्लामी हिंद और SIO ने ये बीड़ा उठाया है कि मैक्सिमम जहां तक हो सके हम गरीबों तक और ज़रूरतमंदों तक पहुंचेंगे। हमारा मैकेनिज्म ये है कि हम तहकीक करके आइडेंटिफाइड लोगों तक रेशन किट्स पहुँचाते हैं, उनके घरों तक पहुँचाते हैं, उनके एड्रेस तक पहुँचाते हैं। दूसरी तरफ 2 से 2500 डेली लंच के कुक पैकेट्स या फूड पैकेट्स भी हम लोगों के घरों तक भी पहुंचा रहे हैं और काउंटर से यहां से इशू भी करा रहे हैं। तो ये एक है काम जो हम कर रहे हैं। दूसरा काम जो एक ये हो रहा है कि हमने एक डेटाबेस मेंटेन किया है ताकि वो लोग महरूम ना रह जाए, उसका भी हमारे पास में अपडेट्स रहे और रिपीट भी ना हो, इस बात का भी हम ख्याल रखें। एक तीसरी अच्छी बात जो हो रही है कि ये काम और लोग भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम उनके साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि हमारे जो रिसोर्सेज है वो सही तरीके से मैक्सिमाइज हो, रिपीटेशन ना हो और कोई महरूम ना रह जाए। कहीं ना कहीं मुमरा में इस दुख की घड़ी में इसी तरह से लोगों ने मदद की है। इस तरह से अंजुमन दर्द मंदाने तंजीम की तरफ से भी लोगों को 5 किलो चावल, शक्कर, दाल, तेल की किट देकर लोगों की मदद की जा रही है और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करना भी चाहिए। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।